नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कई बार हमारे घर में पुरानी चीजें होती हैं और उन्हें हम बिना सोचे समझे किसी को दे देते हैं या फिर हम हटा देते हैं। पर आज मेरे पास भी एक इस तरह से पुरानी रैक है, काफी पुरानी है, तो आज मैंने इसको रीयूज किया है। पर हम अपनी थोड़ी सी समझदारी और मेहनत से इनको एक नए तरीके से सजा सकते हैं या नए तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, आज मैंने इसको कैसे तैयार किया है देखते हैं। रैक को पहले फ्रेंड मैंने साफ कर लिया है। साफ करने के बाद इसमें बहुत जगह से दरारें दिख रही हैं, कलर की पपड़ी बनकर बाहर निकल रही है, तो मैंने इसे नाइफ से खुरचकर साफ कर दिया है। इसके बाद मैंने चॉक पाउडर में फेविकॉल मिलाकर पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट से जो क्रैक्स हैं उन्हें हम फिल कर लेंगे। फिंगर से इस तरह पेस्ट लगाते जाएंगे और अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो चॉक पाउडर का पेस्ट बनाया है इसकी जगह आप पीओपी या फिर व्हाइट सीमेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर पीओपी यूज कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें फेविकोल मिला लीजिए और व्हाइट सीमेंट में आप पानी मिलाकर यूज कर सकते हैं। इसके बाद 2 घंटे हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं और ये देखिए, जो मैंने पेस्ट लगाया है वह बहुत सही दिख रहा है, कहीं से क्रैक भी नहीं हुआ है। और यहाँ मैंने फिर सबसे पहले व्हाइट कलर किया है। ये व्हाइट कलर मैंने एशियन पेंट्स वाला ही लिया है। मैंने अपनी कलर वाली वीडियो में भी बताया है कि एशियन पेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं और इससे बहुत ही सुंदर कलर दिखते हैं। यहाँ ये रैक काफी पीली हो गई है इसलिए मैं व्हाइट कलर कर रही हूँ, और वैसे हम चाहें तो हम डार्क कलर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड देखिए, व्हाइट कलर करने के बाद में इसकी तो बिल्कुल ही शक्ल बदल गई, कितनी सुंदर दिख रही है। कई बार हम बिना सोचे समझे पुरानी चीजों को हटा देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, पर थोड़ी सी समझदारी से हम इनका यूज नए तरीके से कर सकते हैं। आज मैंने एक स्टिक से सेल्फ बनाया है और इस स्टिक को हम मार्जिन भी बोलते हैं। रैक के अंदर का नाप लेकर इस स्टिक को मैंने कट कर लिया है। यहाँ मैंने 2 पीस कट किए हैं। चलिए इनको चेक करके देख लेते हैं, ये फिट बैठ रहे हैं। इसके आगे मैंने छोटे छोटे पीस कट किए हैं उसी साइज के जो हमारी डेप्थ है, जी के नाप के मैंने छोटे छोटे पीस कट किए हैं। और यहाँ हम सारी स्टिक को रखकर सेट कर लेते हैं। स्टिक के अंदर जो गैप है वो हमें बिल्कुल इक्वल रखना है और उसके साथ ही हम फेविकॉल लगा करके इनको स्टिक कर देंगे। वैसे मैंने इतनी मेहनत क्यों की, हम सीधे सीधे भी तो सेल्फ डाल सकते हैं, जैसे इस कार्डबोर्ड का या फिर हम MDF बोर्ड का, किसी का भी हम सेल्फ डाल सकते हैं। पर जो दिखने में ये सुंदर लगेगा ना, उतना ये नहीं लगेंगे, इसीलिए बस थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और अब हम करेंगे कलर। तो यहाँ मैंने एशियन पेंट का व्हाइट कलर लिया है, इसके अंदर पर्पल कलर का स्टेनर मिलाया है और मैंने वीडियो में भी बताया है कि मैं कई बार इस तरह के कलर यूज करती हूँ। और पर्पल कलर का स्टेनर मिलाने के बाद में ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा और मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने बड़ा ब्रश यूज किया है, ये 2 इंच का ब्रश है, इससे कलर जल्दी हो गया क्योंकि छोटे ब्रश से बहुत देर लगती है। जब बड़े साइज की कोई चीज बना रहे हैं तो ब्रश भी हमें बड़ा ही लेना होता है। और इसी तरीके से मैंने ऑरेंज कलर बनाया है और वो मैंने नीचे की साइड किया है। सामने जो बॉर्डर है वहां हमने ब्लैक कलर किया है और ये मैंने साइड को प्लेन छोड़ दिया है। यहाँ हम बहुत सुंदर डिजाइन बनाने वाले हैं, पर हम क्या बनाने वाले हैं इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रैक को और सुंदर लुक देने के लिए मैंने कॉर्नर पर स्टेंसिल्स का डिजाइन बनाया है। क्लिप के अंदर स्पॉन्ज लगाकर डार्क पर्पल कलर से धीरे धीरे हमने कलर लगाया है। जब हमारा कलर हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो स्टेंसिल्स को हम धीरे से हटा लेंगे। थोड़ा गीला कलर होने पर स्टेंसिल्स नहीं हटाइए तो कई बार हटाते वक्त वो कलर फैल जाता है। इस तरह से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में स्टेंसिल्स मिल रही हैं। जो स्टेशनरी शॉप है वहाँ पर हमें ये स्टेंसिल्स मिल जाती हैं। रुकिए रुकिए, वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही फ्रेंड्स एक कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत मदद मिलती है। और मेरे जो स्टेंसिल्स का डिजाइन है इसके अंदर थोड़ी बड़ी बड़ी लीफ है थी, मुझे लग रहा है इसमें कुछ शेड दे लेते हैं, तो यहाँ मैंने व्हाइट कलर का शेड दिया है और शेड देने के बाद में ऐसा लग रहा है कि हमने हैंड पेंटिंग से अपना डिजाइन बनाया है।
और नीचे की साइड जो बॉर्डर है वहाँ मैंने ब्रिक्स का डिजाइन बनाया है। इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। जो हमने दोनों साइडें खाली छोड़ी हैं, वहाँ मैंने मिरर वर्क किया है। रेक्टेंगल और स्क्वायर मिरर लगाकर बाउंड्री बनाई है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ हम कुछ नया करने वाले हैं, तो हमने आज सेल्फ के अंदर मोजाइक आर्ट किया है और ये एकदम डिफरेंट और नया आइडिया है। फ्रेंड्स, कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्लावर और बेल का डिजाइन भी बनाया है। ये सारा मेरा जो मिरर वर्क है ये ब्रोकन मिरर से बनाया है। जब हम मार्केट से नए नए कपड़े खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर कुछ स्टिकर लगे आते हैं जिन्हें हम काट कर हटा देते हैं या फिर फेंक देते हैं। ये स्टिकर इतने मजबूत और थिक होते हैं कि इनको हम यूज कर सकते हैं। देखिए, आज मैंने इनका ही यूज किया है और ये मैंने मोजाइक पेस्ट बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप मोजाइक का पेस्ट बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कैसे बनता है, तो इसके लिए आप मेरा ये बिगनर्स मोजाइक का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मेरा एक वीडियो और है जिसके अंदर मैंने कौन से मोजाइक बनाना सिखाया है, उसे भी आप देख सकते हैं क्योंकि उससे भी बहुत ही सुंदर मोजाइक बनती है। दोनों के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उनकी लिंक भी दी है, तो आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। तैयार पेस्ट को मिरर के ऊपर हम इस तरह से डाल लेंगे और आज हम इन्हीं स्टिकर की हेल्प से अपनी मोजाइक आर्ट करेंगे। बहुत ही आसानी से और जल्दी से हमारा इनसे पेस्ट लग गया और बड़े बड़े मिरर से मैंने इस तरीके से एक्स्ट्रा पेस्ट को हटा दिया। उसके बाद थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। ड्राई होने के बाद में जो मिरर के ऊपर जो पेस्ट है वो भी मैंने हल्का सा साफ करके हटा दिया। फ्रेंड्स, जब हमारा पेस्ट ड्राई हो जाता है उसके बाद में जो मिरर के ऊपर जो पेस्ट है बहुत ही आसानी से हट जाता है। मैंने मोजाइक आर्ट बहुत तरीके से करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले पेस्ट का वीडियो बनाया था कि पेस्ट लगाने के बाद कैसे हटाना चाहिए, बहुत ही इजी तरीका है। और उसके बाद में एक कौन से हमने मोजाइक आर्ट बनाई है जो भी बहुत सुंदर तरीका है। अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि सबकी लुकिंग अलग होती है, तो आप सभी तरीके के छोटे छोटे पीस बनाकर देखिए और जो आपको अच्छा लगता है आप उसी तरीके से करिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारी रैक में डिजाइन भी बन गया, कलर भी हो गया, मिरर भी लग गए और मोजाइक भी हो गया है। चलिए, हमने जो सेल्फ तैयार करके रखा है उसे लगा कर देख लेते हैं। सेल्फ रखने के लिए दोनों साइड उसी नाप की मैंने स्टिक लगा ली है और उनके ऊपर आसानी से हमने अपना सेल्फ रख दिया है। आप चाहें तो दोनों स्टिक को दो कील लगाकर मजबूत भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमने कलर किया है अंदर की साइड, वहाँ हम स्प्रे से क्लियर वार्निश कर लेंगे। आज मैंने स्प्रे क्लियर वार्निश का यूज किया है। वार्निश करना बहुत जरूरी है, इससे शाइनिंग भी आएगी, साथ ही हमारी आर्ट को मजबूती भी मिलेगी। और जो हमने सेल बनाई है उसके ऊपर भी हमने स्प्रे वार्निश कर ली है, मजबूती के साथ साथ शाइनिंग भी आ गई है। और ये देखो कितनी सुंदर हमारी रैक बनके तैयार हो गई। एक ये छोटा सा डिजाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ ही हमने जो साइड से मोजाइक की है बहुत सुंदर दिख रही है। वैसे प्लेन छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा साइड से मैंने ये मोजाइक कर दिया तो काफी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है मोजाइक बनाना। जैसे मैंने यहाँ स्टेंसिल्स किया है वो भी आप इधर कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो हमने ये बनाया है अपना सेल्फ, ये बहुत ही सुंदर बन गया। इससे हमारे एक तो मेरे को सामान रखने में मदद मिल जाएगी, यहाँ भी सामान रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने छोटा सा एक सेल्फ डाल दिया है। बाकी नहीं तो इतनी लंबाई में हम सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें ही रख सकते हैं। पर मैंने यहाँ बनाया है अपने लिए जहाँ मैं अपने कलर रख सकती हूँ, यहाँ भी कलर रख सकती हूँ। साथ ही अगर एक छोटा सा ये एक आइडिया ये भी है कि मैं इन हुक्स को लगाकर यहाँ पर जो मेरे यहाँ जगह है यहाँ हुक्स लगा सकते हैं। आप साइड से भी हुक्स लगा सकते हैं, तो इन हुक्स को अगर हम लगा लेते हैं तो दो चार चीजें हम अपनी हैंग भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं इसे हुक लगाऊंगी, अभी नहीं लगा पाई हूँ, पर मैं बाद में लगाऊंगी जरूर। और अगर आप मेरी आर्ट देखकर कोई भी आर्ट पीस बनाते हैं और आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर टैग करते हैं, तो मैं आपके उन आर्ट पीस को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करूंगी। सोशल मीडिया की लिंक है वो ये दी हुई है। मैंने यहाँ अपने कलर ब्रश रख लिए हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ भी चीज यूज कर सकती हैं। इसे आप किचन में भी यूज कर सकती हैं, छोटी छोटी चीजें रख सकती हैं और बहुत ही मल्टीपर्पज रैक बन गया है।
ये ओल्ड रैक हमारा अब न्यू हो गया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के नए नए डिजाइन देखने के लिए, नए नए आइडिया देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आने वाले वीडियो में आपको उसके जवाब दूंगी, और वो भी आपके नाम के साथ। थैंक यू, मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ।